और उसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो सेंट्रल रूम जरूर बनाना है, ये लोग नहीं बनाते। ये मेरे ख्याल शायद मैं फर्स्ट टाइम ही ये आइडिया दे रहा हूँ लोगों को कि सेंट्रल रूम एक घर में लाजमी बनाना है। और उस सेंट्रल रूम का फंक्शन क्या होगा, वो एक आपकी होगी घर की कमेटी, आपके पेरेंट्स यानी कि बच्चों के दादा दादी, आप दोनों मियां बीवी, आपके बच्चे, ये तीनों कैटेगरियों के कैटेगरियों के लोग एक वक्त में दिन में कम से कम इकट्ठे जरूर बैठे। वालदेन को बच्चों को अपने साथ जरूर इन्वॉल्व करें। अगर वालदेन को आप साथ टाइम नहीं देंगे तो वो भी वालदेन के लिए मसला बनेगा, जिन्होंने पता नहीं कौन कौन सी कुर्बानियां देकर, कौन कौन सी ख्वाहिशात को दबाकर, कितनी सेक्रीफाइसेस करके आप लोगों को पढ़ाया लिखाया, बिजनेसमैन बनाया, दुनिया में चलने फिरने के काबिल बनाया, और उनको इग्नोर नहीं करना। जब वालदेन आपके बूढ़े हो जाए तो उनको इग्नोर नहीं करना, बल्कि उनको एहसास हो कि हमारे बच्चे हमारा ख्याल रखते हैं, हमसे प्यार करते हैं, हमारा लुक आफ्टर करने में दिलचस्पी लेते हैं। तो आप लोगों ने जो सेंट्रल रूम बनाना है उसमें रात को 2 से 3 घंटे कम से कम मुख्तस करने हैं, जिसमें आप भी हो, आपके बच्चे भी हो, पेरेंट्स भी हो, वहां पे गपशप आपकी लगे, डिस्कशन हो, उनके साथ हंसी मजाक करें। और बच्चों को अपने वालदेन के साथ अटैच जरूर करना है, क्योंकि जो पोते पोतियां होते हैं ना, धोते धोतियां और पोते पोतियां, ये बुजुर्गों की टैबलेट्स होती हैं, ब्लड प्रेशर की, शुगर की टैबलेट्स होती हैं, फिर उनको दवाइयों की जरूरत नहीं होती, उनको उनके प्यार से, उनके हंसी मजाक से ही वो दवाइयां मिल जाती हैं और बहुत सारी बीमारियों से वो आजाद हो जाते हैं। बहुत सी बीमारियां उनके नजदीक ही नहीं आती, उनको टेंशन नहीं होती, उनको डिप्रेशन नहीं होता, उनको परेशानी नहीं होती, वो ऑलवेज खुश रहते हैं, आपको दुआएं देते हैं। और उन दुआओं की ही आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि आप बिजनेस में जाते हैं, कारोबार में जाते हैं, ट्रेवलिंग करते हैं, बहुत सारी डीलिंग्स करते हैं, तो वालदेन हमेशा आपसे खुश रहते हैं और अल्लाह ताला भी फिर बरकत डालता है।